नमस्कार जोहार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बोकारो के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज सिटी कॉलेज में इस समय हम लोग मौजूद है और यहाँ के विद्यार्थी गेट को बंद करके यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या कुछ समस्या है, सीधे विद्यार्थियों से जुड़ते हैं और विद्यार्थियों से जुड़े हुए उन छात्र यूनियन के नेताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ ऐसी बात हो गई, क्या कुछ समस्या हो गई कि इनको अपने ही कॉलेज का दरवाजा बंद कर इस धूप में, चिलचिलाती धूप में गेट के ठीक सामने बैठना पड़ा। सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनकी समस्या जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार है। क्या समस्या हो गई अपने ही कॉलेज को, आप गेट को बंद करके गेट के ठीक सामने बैठ गए आप लोग? यहाँ समस्या है, मुख्यतः यहाँ दो समस्या है। अभी पहला समस्या है कि सेमेस्टर वन के बच्चे को फेल कर दिया गया है और फेल इस प्रकार से किया गया है कि कुछ दिन पहले आप एक पेपर में स्टेटमेंट देखे होंगे कि बिना कॉपी जांचे हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका टोटल नंबर जोड़ने पर 5.2 CGPA आ रहा है। तो वो बच्चे को वहाँ पॉइंट मिला हुआ है 2.5 CGPA, मतलब रिजल्ट को लोड करने में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के तरफ से बच्चों के साथ धोखा किया गया है। और दूसरा समस्या यह है कि बच्चे का एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आया हुआ है, उस सब्जेक्ट का एग्जाम सेंटर पर देने गया तो बोलता है कि यहाँ क्वेश्चन पेपर नहीं है, और जब अपना कॉलेज में आके पूछा कि सर हमारा सब्जेक्ट यहाँ एडमिट कार्ड में लोड है, तो कहाँ गया मेरा क्वेश्चन पेपर, मेरा एग्जाम क्यों नहीं ले रहा है, ना इंटरनल लिया ना एक्सटर्नल लिया। और बच्चे को बार बार, पीजी का स्टूडेंट है, इनको बार बार प्रिंसिपल और प्रशासन के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। हम लोग 7 से 8 बार प्रिंसिपल, प्रशासन, यूनिवर्सिटी को बात कर करके, उसके बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, फोन पर हमने कम से कम सैकड़ों बार VC को बोला, प्रिंसिपल को बोला। ग्रेजुएट के स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्या? जी, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ऐसी समस्या है। और UG ग्रेजुएशन वालों को, बच्चे सेमेस्टर वन का बच्चे को फेल कर दिया गया है। अच्छा। बिना कॉपी जांच किए हुए रिजल्ट जारी किया गया है। आप जो है, आपके जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या जवाब दिया जब आप लोगों ने इस तरह की बातें रखी? तो उन्होंने सिर्फ टहलाने बहलाने फुसलाने का काम किया है। उनके हिसाब से हम लोग कम से कम 10 बार फोन के माध्यम से, VC साहब बोलते हैं टाइम नहीं है। अगर VC साहब के पास टाइम नहीं है तो VC किस लिए है? VC बच्चे के लिए है कि अपना घर में वहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए है? VC और प्रिंसिपल और सारा बोकारो के लगभग कॉलेजों में ये समस्या है। किन सत्र की ये बात कर रहे हैं आप? कौन से सत्र की है? कौन सा 20? ये 20 और 22 के सत्र है, PG वाला जी। और ग्रेजुएशन वाला 20 और 23 के सत्र के हैं। अच्छा। मतलब 21 और 24 सिटी कॉलेज का मामला है कि दूसरे कॉलेज में भी है? मुख्यतः ये सिटी कॉलेज का मामला है, लेकिन हमारे पास दूसरे कॉलेज से भी लगातार फोन आती है, जैसे चास कॉलेज, SS कॉलेज, विस्थापित कॉलेज, वालीडी, सारे कॉलेज से फोन आती है। और लोग मुझे, छात्र छात्राएं परेशान करते हैं कि भैया मेरा काम नहीं हो रहा है। हमने लगातार VC और प्रिंसिपल सभी को फोन करने का काम किया। आज क्या मांग है इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए, क्या मांग? मेरा मांग एक ही मांग है, जिन जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय किया जाए, और नहीं तो हम लोग आगे पुरजोर उग्र आंदोलन के लिए बोकारो में रूपरेखा तैयार करेंगे। कोई टाइम लाइन है कि ये इस समय सीमा पर ही कुछ आपका बात बने? टाइम लाइन वैसा कुछ नहीं है। छात्रों के मुझे पास फोन आया, हमने छात्रों के लिए यहाँ खड़ा हो गया। रहा सवाल टाइम लाइन का, छात्रों, सारा छात्र यहाँ मौजूद है, सभी से सहमति लेकर के आंदोलन का योजना मैं बनाने के लिए तैयार रहूंगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे आपको समझाने की कोशिश की, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो तो आपके एक तरह से अभिभावक है। नहीं, मैं उनको अभिभावक मान रहा हूँ। पुलिस हमारे कानून का रक्षक है और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। छात्र, कोई भी छात्र गलती, हमारे नेतृत्व में कोई छात्र गलती नहीं करेगा। सिर्फ अपना मांग का सर लेकर के सब अपना धरना प्रदर्शन पर है, ना कहीं आगजनी हो रहा ना कुछ हो रहा, लेकिन मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ, अगर नहीं मांगा माना प्रशासन तो उग्र से उग्र जो भी नतीजा करना पड़ेगा, सुमन कुमार उसके लिए तैयार है। मतलब छात्र हैं ये, उग्र भी हैं, इस धूप में बैठे हुए हैं, प्रशासन भी अभी समझा चुके हैं, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि आप, जब तक इनकी दो मुख्य मांगे हैं ये पूरी नहीं हो जाती और जल्द से जल्द पूरी नहीं हो जाती है, ये उग्र आंदोलन करने तक की विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन को एक तरह से चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। छात्र नेता की बात सुन चुके हैं, अब उन छात्रों से आपको मिला रहे हैं जिनके लिए ये समस्या बनी है और आज इन्होंने अपने ही कॉलेज का गेट बंद कर धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर, मैं MSc सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ।
सर हम लोग सिटी कॉलेज से। जी सर, बीएस सिटी कॉलेज से हूँ, मैथ ऑनर्स का हूँ। देखिए सर, यहाँ पर हम लोग का जो आईटी विषय आप देख सकते हैं सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एग्जाम डेट था 2/8/2022 को, समय 10 बजे, और सेंटर हम लोग का पड़ा था बोकारो महिला महाविद्यालय बोकारो। हम लोग वहाँ गए सर एग्जाम के लिए, एग्जाम नहीं हुआ। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर जो भी थे, वो बोले कि जो है सो आप लोग का क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी से नहीं आया, हम लोग एग्जाम नहीं ले सकेंगे। अब हम लोग वहाँ से बोले कि वो बोले कि आपका कॉलेज का गलती है, ठीक है, या तो फिर यूनिवर्सिटी का गलती है, क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो इसमें हम लोग जिम्मेवार नहीं है। हम लोग वहाँ कुछ नहीं किए, हम लोग आ गए डायरेक्ट कॉलेज। कॉलेज में आए, बोले सर हम लोग का आईटी विषय का एग्जाम आज नहीं हुआ। तो बोले हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर आईटी विषय कितना कितना तारीख को 2/8/2022 को, इससे पहले एडमिट कार्ड जारी होता है यूनिवर्सिटी में, एडमिट कार्ड जारी होता उस टाइम यूनिवर्सिटी से। जब हम लोग बात किए एग्जामिनेशन कंट्रोलर से, एग्जामिनेशन सेंटर में, वहीं पर रुक करके बात किए कि सर हम लोग का एग्जाम काहे नहीं हो रहा, तो वहां पर बोले कि आपका जो सब्जेक्ट लिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वह विषय हम लोग के यूनिवर्सिटी में नहीं है, उपलब्ध नहीं, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ही सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। अब सुनिए सर, यूनिवर्सिटी का खेला क्या है, यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड जारी किया, सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर फॉर्म भरे, उसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के तहत इसमें ऑप्शन के लिए आता है सिलेक्ट करने, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहली गलती सर कि वहाँ पर आईटी वहाँ पर नहीं देना चाहिए था, सिलेक्ट करने के लिए आईटी वहाँ पर नहीं देना चाहिए था, जो कि एक गलती। दूसरा गलती क्या किया, कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो चुका है सर, इंटरनल एग्जाम का मार्क्स भी आ चुका है। अब उसके बाद जब फाइनल एग्जाम का बात हुआ तो एडमिट कार्ड में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा के आ गया है सर। अब बताइए कि वहाँ पर जब एडमिट कार्ड बन रहा था उस टाइम जो है, उस समय यूनिवर्सिटी का ध्यान कहां था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग के यूनिवर्सिटी के विषय में नहीं है। यही हम एक और विषय समाता इस तरह के मामले में आता है कि जो आप जब क्लास कर रहे होंगे उस समय आपके आईटी की पढ़ाई हुई, बात कर रहे हैं, क्लास तो कुछ नहीं चलता है सर, बिना क्लास किए एग्जाम पास, यही रोल, मतलब एडमिशन लीजिए और एग्जाम दीजिए, एग्जाम दीजिए बस, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। और देखिए सर, आगे जाके यही लोग प्रोफेसर बनने वाले, बताइए किस प्रकार का प्रोफेसर बनेंगे, वो भी MSc मास्टर ऑफ साइंस मैथ ऑनर्स, देख लीजिए आगे जाकर के बच्चों को क्या बताएंगे सर, बताइए। एग्जाम होने वाला था 2 अगस्त को, 29 जुलाई को, मतलब 4 दिन पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला यूनिवर्सिटी की 2 तारीख को आईटी का भी एग्जाम होने वाला है, नोटिस में निकला है ऑफिशियल साइट से, यूनिवर्सिटी खुद निकला, फिर भी बोल रहा है कि आईटी का हम लोग का सिलेबस नहीं, और हम लोग बिना एग्जाम लेके यूनिवर्सिटी फेल कर रहा है, सिर्फ यही चाहते बिना एग्जाम लेके फेल करवा रहा है सर। हम लोग अगर यहाँ आते हैं, कॉलेज आते हैं, प्रचार के पास ये बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाते हैं बोलते हैं आप अपने कॉलेज में जाइए। सर हम लोग अभी तक 4-5 बार यूनिवर्सिटी घूम चुके हैं, लेकिन हम लोग के साथ कोई समस्या का समाधान नहीं किया। इन बच्चों की बात सुनिए साफ साफ, जब इनको उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बना, तो उम्मीद जगे कि अब धनबाद में हमारा यूनिवर्सिटी आ गया है, अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन धनबाद में यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद पहले से ज्यादा समस्या, विनोद भाव से ज्यादा समस्या हो गई। आईटी इनके यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में ये कोर्स या सिलेबस में मौजूद ही नहीं है, लेकिन फॉर्म में उनका ऑप्शनल डाला गया और एडमिट कार्ड तक इशू कर दिए जाने के बाद भी जब यूनिवर्सिटी इस तरह की बात करती है तो ये बेचारे विद्यार्थी किसके पास जाए और कहाँ रोने, जिसकी वजह से आज ये मजबूर होकर अपने ही कॉलेज के गेट के सामने बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि वे इनके लिए रास्ता निकाले और इनकी जो पढ़ाई बाधित हुई है, परीक्षा नहीं हुई है, उसे रेगुलर करके इनका जो सेशन है उसको बचाया जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए, न्याय दिया जाए, ताकि आगे चलकर इनकी जो आगे की पढ़ाई है या आगे जो भी इन्होंने सोच कर रखा है वो बाधित न होने पाए। एक बात और सर।